बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम है वकास मीर और मैं नॉर्वे में रहता हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चैरिटी इकट्ठी करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोल्स जो होते हैं वो हमेशा पूरे होते हैं। मुख्तलिफ इदारों के लिए, मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ कैंपेन्स भी चलाता हूँ। अरशद शरीफ शहीद का जब पता चला तो उनके लिए भी मैंने कैंपेन एक शुरू की है जो कि उनके बिहाफ पे किसी चैरिटी को दी जाएगी उनके नाम पे। उनकी फैमिली मेंबर्स में से भी कुछ लोग होंगे जिनसे मेरी बात होगी और उनसे मैं कांटेक्ट करके उनको बताऊंगा कि ये चैरिटी कैंपेन आपकी मर्जी के मुताबिक जिस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को आप देना चाहते हैं उनको आप दे सकते हैं या हमें बता सकते हैं। पूरी डॉक्यूमेंटेशन हमेशा होती है हर एक प्रोजेक्ट में जो मैं करता हूँ। तो इस बार जब मैंने कैंपेन शुरू की, मकसद था फैमिली के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए, उनके बच्चे के लिए। जाहिर सी बात है बंदे की नियत होती है किसी चीज़ को करने के लिए तो उस वक्त नहीं होता कि आप फैमिली को इस तरह के मौके पे कांटेक्ट करें कि हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसके लिए वक्त दरकार होता है। तो मैंने कैंपेन शुरू कर दी, अभी तक तकरीबन 30,000 नॉर्वेजियन क्रोन हो चुके हैं। नॉर्वेजियन क्रोन का रेट इस वक्त 21 पे पहुंचा हुआ है, खुद हिसाब लगा सकते हैं, और ये अभी 24 घंटे से कम वक्त में हुआ है। तो मेरी बात होगी उनके उनके जो फैमिली के कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ, तो उनसे बात करके मैं कोशिश करूंगा कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है उन तक पहुंचाऊं, और जब अमाउंट क्लियर होगा हमारे पास तो उनको डॉक्यूमेंटेशन और उसकी ट्रांसफ़र किया जाए उनके नाम या फिर किसी ऐसे इदारे के नाम जो कि वो खुद कहें कि हम चाहते हैं कि अरशद अगर आप देना ही चाहते हैं। और लोगों की मोहब्बत आई है, जो नॉर्वे में रहते हैं वो खुद तो जनाजे में शरीक हो नहीं सकते थे लेकिन अरशद शरीफ शहीद को जानते हैं, वो उनको टी वी पर देखते रहे हैं, उनका काम देखते रहे हैं और इस पूरे के पूरे हादसे में इस गम में सब उस फैमिली के साथ हैं। तो उम्मीद है कि आप भी दुआ में याद रखेंगे, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमारे पाकिस्तान को भी सेफ रखे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।